प्रेमी की मदद से पति और चार बच्चों की हत्या कराने वाली महिला के बारे में नया खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला संतोष कुछ महीनों से बहुत रोमांटिक अंदाज में रहने लगी थी। FB पर एक्टिव रहती थी और कई तरह के फोटो भी अपलोड करती रहती थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी महिला संतोष और उसके प्रेमी हनुमान की दोस्ती करीब 3 साल पहले हुई थी। धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग में बदल गई और इसके बाद दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों में आरोपी महिला का रहने का अंदाज ही बदल गया था। वो बहुत रोमांटिक अंदाज में रहती थी। पति जब काम पर चला जाता तो मोबाइल पर बिजी रहती। पति बनवारी को जब पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो उसने उसे टोका और यही बात संतोष को बुरी लगी। इसके बाद उसने प्रेमी की मदद से बच्चों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और 4 बच्चों को सुपारी किलर से मरवा दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक बनवारी की पत्नी संतोष ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भारे के 2 बदमाशों के साथ मिलकर 4 बच्चों और अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। मृतक की पत्नी संतोष से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि संतोष ने ही उस रात अपने पति को खाने में नींद की दवाई दे दी थी। फिर उसने अपने प्रेमी हनुमान और सुपारी किलर के लिए दरवाजा खोला था। सुपारी किलर ने बनवारी और 4 बच्चों को मारा तब संतोष और हनुमान कमरे में ही मौजूद थे। संतोष ने आरोपियों को वहां से भागने के लिए स्कूटी की चाबी दी और फिर खुद घर के ऊपर के कमरे में सोने चली गई। पुलिस को भी संतोष ने बताया था कि कूलर की आवाज के कारण उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। बुधवार को पुलिस को ये स्कूटी NB कृषि उपज मंडी के पीछे बनी टूटी फूटी दुकानों के पास लावारिश हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर FSL जांच के लिए भेज दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।